नमस्कार, मेरा नाम है सुनील त्रिपाठी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था वॉटर CP88, जिसको हम एंड में चला के नहीं दिखा पाए थे क्योंकि नहीं हमारे पास CO2 कार्ट्रिज। CO2 कार्ट्रिज हमारे पास आ गई है keyboard.com से। तो चलिए करते हैं इसे अनबॉक्स। तो ये है वो CO2 कैप्सूल। 5 कैप्सूल्स मैंने ऑर्डर करी हैं। एक कैप्सूल से लगभग लगभग गन चलती है 70 शॉट्स। इसमें होता है 12 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। तो नीचे से यहाँ पे इसको प्रेस करते हैं और जैसे इसे प्रेस करते हैं तो इसकी जो प्लेट है वो चक के वैसे ही निकल जाती है। इस वाला जो ये नट है इसको पूरा हम ढीला करके रखते हैं और ढीला करने के बाद इसका जो ये कार्ट्रिज का रिलीज है इसको नीचे रखते हैं। कार्ट्रिज के ऊपर पेलगन ऑयल होता है। पेलगन ऑयल का एक ड्रॉप हम इसके ऊपर ऐसे लगाते हैं इसको कोट करने के लिए। ये इंश्योर करता है कि इसमें से कोई लीकेज नहीं होगा। इसको वापस बंद करते हैं और इसको हम यहाँ पे इस तरीके से रखते हैं और इसके बाद इसको एक लेवल तक टाइट कर लेते हैं जहाँ तक ये हमें ऊपर दिख जाए घूमता हुआ। तो ये हमने यहाँ पे रख लिया। इसके बाद हम इसे वापस क्लोज करते हैं और क्लोज करने के बाद हम इसे सेफ मोड पर रखते हुए इसको ये जैसे ही बंद किया तो ये कार्ट्रिज लोड हो गई। अब मैं इसे दिखा दूं कि ये खाली है। इसके अंदर मैंने इसका मैगजीन नहीं फिट किया है। अब हम इसे वापस फायर पे करते हैं और एक बार चला के बताता हूँ इसे। तो ये चली। अब हम इसमें इसे सेफ पर रखते हैं। जो इसकी मैगजीन है मैगजीन में मैं चलाऊंगा क्लीनिंग पैलेट। तो मैंने लिया अपना एक क्लीनिंग पैलेट और क्लीनिंग पैलेट को मैंने इसकी मैगजीन में लोड किया पैलेट। अब मैं इसे यहाँ पे रखूंगा एंटी क्लॉकवाइज। वो बंद ही नहीं होगा अगर वो सही रखा नहीं होगा तो। चलिए हम अपना क्लीनिंग पैलेट को शूट करते हैं। पड़ भी सकता है वो वापस आके। चला दे। उधर चला दो। नहीं उधर ही चला। उधर चलाऊंगे तो वापस नहीं आएगा अपने ऊपर। चला चला नहीं अभी सेकंड शॉट में चले। चला चला उस कार्ट्रिज का मैं आपको एक वार्निंग दे देता हूँ कि कभी भी अपनी इसको आप धूप में मत छोड़ना या गाड़ी के अंदर रखे मत छोड़ देना क्योंकि 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर जाने पे वो एक्सप्लोड कर जाती है। तो बी वेरी केयरफुल विद दैट। कभी भी आप उसे एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर में ना रखें। तो हमारे पास 2 मैगजीन्स यहाँ पर लोड हो चुकी हैं। तो चलिए अब इसे शूट करते हैं। एंट्री एग्जिट। तो आपने देखा कि हमने आपको 0.177 कैलिबर 4.5 mm वॉल्टर CP88 चला करके दिखाई, क्लीन करके दिखाई, उसमें CO2 का कार्ट्रिज लोड करने सिखाया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कभी भी एक कोई टॉय वेपन हो, कोई एयरगन हो, कोई रियल फायर आर्म हो, कभी भी आप उसे मस्ती में लोगों के पास जब भी आती, लोग क्या करते हैं सबसे पहले उठा के सामने वाले पॉइंट करते हैं। तो वो कभी भी मत करो। इट्स अ प्रॉपर वेपन। किसी को अगर लगी, आपकी आंख में लग गई, कुछ लग गया, तो इस टाइप की चीजें आपको नहीं करनी चाहिए। किसी भी पॉइंट करो ही मत कभी भी। आपको मिले जमीन पे, आसमान में, कहीं भी पॉइंट करो, लेकिन ये चीजें। और अगर आपके पास कोई वेपन है तो पीरियोडिकली, बारिश का सीजन है, आपको उसको कायदे से लुब्रिकेट करके साफ करके रखना चाहिए। पीरियोडिकली इसको चलाते रहना चाहिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। श्री त्रिपाठी।